नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। सागर जिला के खुरई में सलमान और शाहरुख नाम के दो युवकों द्वारा एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। खुरई में बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों द्वारा जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की गई। परसा चौराहे पर सागर वीणा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया, जिससे सड़क पर दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लाइनें लग गई थी। वाहन चालकों सहित स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम लगाने के लिए प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जैसे अन्य अपराधियों पर बुलडोजर कार्यवाही की जाती है, वैसे ही इन अपराधियों पर भी की जाए। चक्का जाम लगभग दो घंटों तक चलता रहा। दरअसल एक नाबालिग छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह गांव से खुरई के भूसा मंडी रोड पर कक्षा 10वीं की कोचिंग पढ़ने जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों लड़के रास्ते में रोककर छेड़खानी करते हैं। बात करने पर मोबाइल नंबर मांगते थे, नहीं देने पर मारपीट भी की, किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि आरोपियों के बुलडोजर से मकान गिराए जाएं और बाजार में इनका जुलूस निकाला जाए। पुलिस ने आरोपी सलमान और शाहरुख के खिलाफ छेड़खानी सहित पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश कौशिक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, खुरई। हम समस्त हिंदू समाज के लोग सड़कों पर ऐसी घटनाओं के खिलाफ है। आज हम समस्त हिंदू समाज ने परसा चौराहा पर चक्का जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की कि ऐसी छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों के घर गिरवाए जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, उनके जुलूस निकाले जाए और उनको ऐसी सजा मिले कि आगे से वो ऐसे अपराध करने से बाल बाल बचे और वो सोचे कि अगर वो ऐसे अपराध करेंगे तो प्रशासन उनका क्या हश्र करेगा। और साथ ही प्रशासन से हम लोगों ने ये मांग भी करी है कि ये शहर में अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानें शहर की जगह जगह पर संचालित हो रही है। आज उनके विरोध में भी हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। प्रशासन को पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं कि इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए, लेकिन उसके बाद भी निरंतर ऐसी दुकानें प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। तो ऐसी मांस और मीट मात्रा की दुकानें भी प्रशासन जल्द से जल्द हटवाए और उन्हें नगर पालिका द्वारा आरक्षित जगह पर शिफ्ट करे। जय श्री राम।